सिर्फ एक क्वेश्चन बीबी के ग्रुप के लिए, वाई? यार एक टाइम था जब वन प्लस जो है अपने स्मार्टफोन्स को एक नेक्स्ट लेवल पर लॉन्च करती थी, उनमें हमें नेक्स्ट लेवल स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते थे और एक यूनिक प्रोडक्ट देखने को मिलता था। लेकिन आज ऐसा टाइम आ चुका है कि इनको ओप्पो के स्मार्टफोन्स को रीब्रांड करके इंडिया में लेकर आना पड़ रहा है। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन प्लस नोट कन्फ्यूज्ड एडिशन 2 स्मार्टफोन के बारे में। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो में मैं एक पॉजिटिव रिव्यू दूंगा इस स्मार्टफोन का, देन भूल जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप लोग पॉजिटिव रिव्यू ही देना चाहते हैं, और यूट्यूबर्स की वीडियोस देख सकते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियोस देख सकते हैं, उनमें आपको पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यार वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देर के हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। अगर यहाँ पर बात करिए ओप्पो रेनो 7 और वन प्लस नोट सी 2 में क्या डिफरेंस है, देन वो डिफरेंस है सिर्फ सेल्फी कैमरा का, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है और दी एंड, यहीं पर इसके स्पेसिफिकेशन खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को ओप्पो रेनो 7 के स्पेसिफिकेशन पता है, देन आपको ऑटोमेटिकली स्पेसिफिकेशन पता चल चुके हैं वन प्लस नोट सी 2 के। इसके अलावा यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करिए डिटेल्स में, देन मुझे लगता है ना कि इन्होंने जो स्मार्टफोन है वन प्लस नोट सी 2 जो स्मार्टफोन है, इसको जानबूझकर 24,000 रुपये पे लॉन्च करा है, ताकि जो Realme 9 Pro Plus है उसको एक अच्छी डील साबित कर सके। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि Realme 9 Pro Plus जो है ऑलरेडी काफ़ी ओवर प्राइज है, और इन्होंने 24,000 रुपये पे वन प्लस नोट सी 2 को लॉन्च कर दिया है। अभी क्या होगा, जो वन प्लस के कोर फैंस होंगे, जिन्होंने वन प्लस ही बाय करना है, इसके अलावा और कोई फोन नहीं बाय करना है, वो लोग यहाँ पर 24,000 रुपए का फोन बाय कर लेंगे। लेकिन जिनको स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको पता है कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, और जो कि हमारा चैनल भी देखते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पर Realme 9 Pro Plus के साथ में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर काफी लोगों को ये नहीं पता कि Realme 9 Pro Plus भी एक ओवर प्राइस डील है। मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला था लेकिन मैंने बनाई नहीं, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला था कि इसका जो प्राइस है वो हमें 2,000 रुपये ऑलरेडी कम देने को मिलना चाहिए, यानी कि Realme 9 Pro Plus के जो प्राइस होनी चाहिए थी वो 23,000 रुपये के अराउंड होनी चाहिए थी, और उसके बाद बैंक ऑफर्स के साथ में 21,000 रुपये का ये फ़ोन देखने को मिलता। लेकिन अभी इन्होंने वन प्लस नोट सी 2 को यहाँ पर लॉन्च कर दिया 24,000 रुपये पे, और 25,000 रुपये पे वो देखने को मिलता है। और अभी जिनको वन प्लस नोट सी 2 जो है वो ओवर प्राइस लगेगा, वो ऑटोमेटिकली Realme 9 Pro Plus के साथ में चले जाएंगे। खैर यहाँ पर क्या है कि ये जो कंपनीज हैं, जैसे कि वन प्लस, ओप्पो, वीवो, आईकू और Realme, ये सभी कंपनीज आती हैं बीबी के ग्रुप के अंदर, तो इनको मेनली यहाँ पर जो मतलब है वो सिर्फ मतलब है प्रॉफिट से, इसके अलावा इनको कोई चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि आखिर में सभी लोग यहाँ पर बिजनेस ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये चीज़ जो है टोटली इंटेंशनली करी गई है, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस भी हमें सेम देखने को मिल जाते हैं ओप्पो रेनो 7 में देखने को मिले हैं जो, और यहाँ पर सिर्फ 1,000 रुपये का डिफरेंस क्रिएट कर दिया दोनों ही फोन्स में, रियलमी और वन प्लस में। क्योंकि जो लोग 24,000 रुपये इस पर नहीं स्पेंड करेंगे, वो 25,000 रुपये स्पेंड कर देंगे रियलमी 9 प्रो प्लस पे। खैर ये इनकी गेम है टोटली। इसके अलावा यहाँ पर बात करिए वन प्लस का जो टिपिकल अलर्ट स्लाइडर है वो इस बार गायब है, लास्ट टाइम भी नहीं देखने को मिला था नोट सीई में, इस बार भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। खैर इसके अलावा ना यहाँ पर जो फोन की कॉस्ट है वो हमें 24,000 रुपीज देखने को मिल जाती है, और हमें 24,000 रुपीज में स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट नहीं देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन प्लस नोट सी 2 में हमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए देन यहाँ पर हमें MediaTek Dimensity 900 SoC देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए इसका कंपैरिजन करा जाए MediaTek Dimensity 920 के साथ में, देन ये काफ़ी बुरी तरह से फेल हो जाएगा उसके आगे, क्योंकि जो Dimensity 920 है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है एज़ कम्पेयर टू 900। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए जो कैमरा है वो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम देखने को मिलता है, वही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, वही 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करिए डिस्प्ले के बारे में, 6.43 इंचेस की यहाँ पर हमें फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 90 हर्ट्ज़ का यहाँ पर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और हमें यहाँ पर HDR 10 प्लस की यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर देखा जाए यहाँ पर आप खुद भी अभी नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पर वन प्लस ने इंटेंशनली इसका जो प्राइस है वो 24,000 रुपीज़ रखा है, ताकि यहाँ पर जो Realme 9 Pro Plus है उसको एक अच्छी डील साबित कर सके, क्योंकि 25,000 रुपीज़ में हमें यानी कि 1,000 ज़्यादा देकर 920 SoC देखने को मिल रहा है, और 24,000 रुपये पे हमें 900 SoC देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए परफॉर्मेंस के मामले में, अगर देखा जाए फ़ोन जो है काफ़ी डिसेंट लेवल का फ़ोन है,
लेकिन फिर भी मैं कहूंगा काफी ज्यादा कंजूसी करी है यहाँ पर वन प्लस ने। यहाँ पर हमें बैक की साइड अगर डिजाइन की बात करी जाए, जो प्लास्टिक डिजाइन देखने को मिलता है, ग्लोसी प्लास्टिक डिजाइन देखने को मिलता है, प्लास्टिक की ही फ्रेम्स देखने को मिल जाती हैं, और नीचे फोन की जो बेजल्स हैं वो तो आगे की तरफ तो ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ ना जो चिन्ह है वो मुझे यहाँ पर थैनोस की ठुड्डी याद करा देती है, क्योंकि इतनी बड़ी चिन्ह देखने को मिल जाती है ना। अभी यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो बेजल्स को कम्प्लीटली रिमूव कर रही है, लेकिन जो वन प्लस है वो इसको रिमूव नहीं कर रही है, और अभी भी इतनी बड़ी बड़ी हमें यहाँ पर चिन्ह देखने को मिलती है वन प्लस नोट सी ही टू स्मार्टफोन में। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी के बारे में बात करिए, 4500 mAh की डुअल सेल बैटरीज देखने को मिल जाती हैं, जिसको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है 65 वोल्ट की, और बॉक्स के अंदर भी हमें ये चार्जर देखने को मिलता है। खैर मेरे हिसाब से जो फ़ोन है, अगर इसके जो प्राइस है वो 20,000 रुपये के अंदर होता, देन मैं कहता कि एक काफ़ी शानदार डील है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस पे आता उस प्राइस पॉइंट पे। लेकिन अभी जो स्मार्टफोन है वो 24,000 रुपीज़ पे है, तो 24,000 रुपीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा है इस स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि पिछले के मुकाबले में जो इसका प्रीडिसेसर है उसके मुकाबले में इसमें हमें इतने ज़्यादा हैवी या फिर इतनी बड़ी अपग्रेड्स नहीं देखने को मिल रही हैं। काफ़ी चीज़ें तो हमें सिमिलर देखने को मिल रही हैं, जैसे कि कैमरा सेटअप, और बाकी इसके अलावा जो कलर ओएस देखने को मिल जाता है इसमें। खैर अगर आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि वन प्लस जो है यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस दे रहा है, देन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक तो यहाँ पर ये एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड ऑक्सीजन ओएस 11 पर चलता है, और सेकेंड थिंग यहाँ पर ओप्पो का जो UI है कलर ओएस, रियलमी UI और ऑक्सीजन ओएस, इन तीनों में अभी आप कोई डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें सेम UI देखने को मिल जाता है तीनों ही स्मार्टफोन्स में। तीनों में ही आपको जैसा हमें ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलता है ना, वैसा ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो वन प्लस के जो फोन्स थे ना वो सबसे ज़्यादा सेल होते थे इनके ऑक्सीजन ओएस के कारण, क्योंकि इनमें सबसे पहले अपडेट्स देखने को मिलती थी और सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाते थे, एड फ्री एक्सपीरियंस और नो ब्लॉटवेयर देखने को मिलता था। तो ये चीज़ों के कारण यहाँ पर हम जो वन प्लस की सेल थी वो नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिली थी। लेकिन अभी जो है वन प्लस जो है धीरे धीरे ओप्पो बनता जा रहा है, रियलमी बनता जा रहा है, कोई भी हमें टाइम पर अपडेट नहीं देखने को मिल रही है, और इवन इनके लेटेस्ट स्मार्टफोन्स में भी हमें ऑक्सीजन ओएस 12 नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी बुरी है। अगर देखा जाए 24 या 25,000 रुपीज़ के अराउंड देखा जाए, देन रियलमी 9 प्रो प्लस जो है एक अच्छी डील साबित होगा एज़ कम्पेयर टू वन प्लस नोट सी ई टू। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने रियलमी 9 प्रो प्लस बाय करना है, देन मैं सजेस्ट करूँगा कि उसको बैंक ऑफर्स के साथ में ही बाय करिएगा, क्योंकि 25,000 रुपीज़ पे उसकी भी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों, ये थी कुछ बातें वन प्लस नोट सी ही टू स्मार्टफोन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी देन इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आर वीडियोज़।